अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाइयाँ खूब दिल लगा के कर रहे होंगे और साथ साथ अपने होमवर्क्स भी टीचर्स को सबमिट करवा रहे होंगे टाइम पे। एज़ यू ऑल नो, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट ट्रू फॉल्स एंड ओपन सेंटेंसेस। वी हैवन डन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लोज सेंटेंसेज, वी विल डू इन फर्दर क्लासेज इंशाल्लाह। एंड वी डिड सम ऑफ द simplification questions as well. They were very easy and very interesting. I hope you find them interesting as well. That's what matters actually. So क्या आप लोगों ने अपने homeworks teachers को submit करवा दिए time पे? Very good. तो जब भी homework मिले complete करना है, practice करना है, submit कराना है teacher को। आप लोगों ने अपनी skills अच्छी करनी है ना, और skills जब तक practice नहीं करेंगे how can you just command भी कैसे मिल सकती है आपको अपने questions में। All right, so let's get started. Page number 132, question number 9. Place the parenthesis correctly. Parenthesis किसे कहते हैं? These brackets को हम refer करते हैं इस term से. Correctly to match the order of operations. आपने क्या करना है basically? यहाँ पे कुछ questions given हैं. You have to place these brackets जहाँ पे आप समझते हैं they should be placed. All right. So in part A you can see that 84 divided by 14 multiplied by 9 divided by 18, और यहाँ पे ज़रूरत है कि आप basically brackets put करें। All right, तो किस तरह करेंगे हम? एक तरीका तो आपके पास ये है कि 84 और 14 को separate कर दें, 9 और 18 को separate कर दें, बीच में sign आ जाए आपका multiplication का। This is one method and this is the right one. So hurry up, take out your notebooks and start working on this question. 84 और 14 पे आप लोगों ने एक दफ़ा लगाने हैं ब्रैकेट्स, और 9 और 18 पे आपने ब्रैकेट्स पुट करने हैं, एंड द क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ऑलराइट, हो गया। पार्ट बी पे चलते हैं। 56 माइनस 25 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 29। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्लेस ब्रैकेट्स, एंड वेयर आर यू गोइंग टू प्लेस देम? 56 माइनस 25 माइनस 12, इनके इर्द गिर्द आपने क्या लगा देना है ब्रैकेट? सब्ट्रैक्शन की टर्म पे पूरी स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, सेंटेंस गिवन है, डिवीजन से पहले स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट लग गया, डिवाइड का साइन बीच में अकेला छोड़ देना है। 48 माइनस 29, इन दोनों के इर्द गिर्द ब्रैकेट लग जाएगा। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, कितना आसान है ना? वेरी गुड। पार्ट सी में आपने क्या करना है? यू हैव टू solve this question as well. 20 times 5 minus 12x multiply by 5 multiply by 60 minus 5. Now this is a big question and you all have to solve this as well. So let's do it now, or you guys want to do this at home by your own self? So yes, this is better, do it at your home. Very easy question. एक स्लाइड से डिफरेंस होगा यहाँ, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एंड कम्प्लीट इट। ऑल राइट, वेरी गुड। अब आपके पास आपके रिसोर्स की लिंक मौजूद होगी। रिसोर्स आपके लिए इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि वो आपको हेल्पफुल रहे। जब क्वेश्चन आप घर पर सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम द रिसोर्स गाइड। ऑल राइट, वेरी गुड। अपनी नोटबुक्स में कम्प्लीट कीजिएगा ये वाला क्वेश्चन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग के साथ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 इज एज वेल, 10 क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क एज वेल, एंड इन क्वेश्चन नंबर 11 वी आर गोइंग टू डू हियर। आइडेंटिफाई व्हिच पेयर्स कंटेन अनलाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। क्या आपको याद है कि हमने टू डेज पहले अनलाइक एंड लाइक टर्म्स के बारे में पढ़ा था? आपकी नोटबुक्स में डेफिनेशंस भी लिखी हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ज़रा जल्दी से रिवाइज कर लीजिए अनलाइक टर्म्स की डेफिनेशन। शाबाश, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज यहाँ भी करा देती हूँ। अनलाइक टर्म्स वो होती हैं जिनमें वेरिएबल का डिफरेंस होता है, कोफिशिएंट चाहे सेम हो, डिससिमिलैरिटी आ जाती है, सिमिलर नहीं होते, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है, जो पर्पल से आपके पास यहाँ पर बना हुआ है ना, एक चार्ट या ग्रुप कह सकते हैं आप इसे, या कॉलम, इनमें आपने वहाँ टिक करना है जहाँ पे अनलाइक टर्म्स की एक्सप्रेशन मौजूद है। पार्ट ए, लाइक टर्म्स क्यों? एक्स एक्स सेम वेरिएबल, नो दिस इज नॉट अवर टारगेट। पार्ट बी,
5AB7AB. Oops, this is not our target. Part C, MN. Oh yes, this is our target, and you are going to mark a tick here. Unlike terms here. Part C, D, 2M, 3N. Like or unlike? Unlike term. Tick कीजिए. Part E, minus XY, minus 5X. Like terms हैं. यहाँ तो tick नहीं करना. Part F, A, 6AB, 11CD. Yes, these are unlike terms. You have to complete this question at your home. And don't forget to submit the screenshot of this particular question. होमवर्क्स अपने टाइम पे टीचर्स को सबमिट करवा दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड गुड बाय.